हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हैप्पीएस्ट माइंड जो शेयर है कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है। अगर हम बात करें आज की डेट में भी, तो आज की डेट में भी इस 7 से 8% गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं 5 डेज, तो अपने जो इसका जो ऑल टाइम हाई था 868, तो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं तो लगभग लगभग 15% ये शेयर गिर चुका है। ओके, क्या रीज़न है और क्या क्या कहते हैं, हमें इसे एग्जिट कर देना चाहिए या हमें निकल जाना चाहिए या फिर हमें और ऐड करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। ओके, क्या ये अपॉर्चुनिटी है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर इससे रिलेटेड हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ एंड आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ अक्षय तृतीया की, एज वेल एज ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो अगर हम बिफोर दैट आगे बढ़े वीडियो में, आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर कल की डेट में काफ़ी सारी यहाँ पर वीडियोज से रिलेटेड हमने बातें करी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट भी हमने यहाँ पर देखते हुए नजर आए थे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये शेयर भरा बड़ा था, 188-190 रुपीज़ पर ये मतलब मार्केट में आया था, फिर उसके बाद डबल पे लिस्ट हुआ, फिर उसके बाद जिस तरीके की रैली दी है, तो देखिए वन अच्छे खासे रिटर्न देते हुए कंपनी नज़र आ रही है। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं, तो किसी ने अगर 350 के आसपास भी खरीदा होगा जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई होगी, तो भी वो 124% के रिटर्न पर बैठा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तब भी, और वन वीक और वन डे, देखिए वन वीक और वन डे किसी भी चीज़ को डिसाइड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप डिलीवरी बेसिस पर अगर ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म का थोड़ा इन्वेस्टर है ना, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ओके, क्यों क्या होता है एक्चुअली। देखिए, रिजल्ट की बात करें तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, और मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा, और ये अगर एक नीचे गिरता है ना, तो आई विल अगेन बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटजी है उसे अपनाऊंगा। क्यों अपनाऊंगा, तो देखिए यहाँ पर जो टीवी मोस्टली ना टीवी देखते हैं, और टीवी में बताते हैं भाई ये रिजल्ट अच्छे नहीं आए, वो रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करने लग जाती है। एज वेल एज अगर बात करें अच्छे अच्छे शेयर से रिलेटेड, अगर रिजल्ट भी अच्छे आते हैं ना, स्टिल वो टीवी वाले कह रहे थे, टीवी वालों को बहुत सारे लोग मतलब 50,000-60,000 डेली वॉच करते हैं, लैक्स ऑफ उनके जो वॉचर है, ओके, वो वहाँ पर वॉच करते हैं। एज वेल एज अगर बात करें उसका फ़ायदा कौन उठाता है, उसका फ़ायदा उठाता है फिर पीछे से HNIs हो गए, ओके, DIIs हो गए, FIIs हो गए, तो ये इस चीज की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, वो और डंप कर देते हैं ताकि उन्हें और सस्ते पे मिल जाए ये शेयर, और आप लोग रिटेल इन्वेस्टर घबरा के बेच देते हैं। तो ये एक रीजन है कि ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, बाकी रिजल्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बात कर लेते हैं आज के दिन की, मैं आपको और भी चीजें यहां पर बताऊंगा इससे रिलेटेड, आप देखिएगा तब आपको भरोसा होगा। तो यहां पर देखिए, तो 18,80,000 शेयर, ओके, आज की डेट में खरीदे गए हैं। अगर बात करें यहां पर देखिए 52 वीक हाई, मतलब 4 दिन पहले ये शेयर 868 पे चल रहा था, और अभी की बात करें तो 732, मतलब 130 रुपीज़ यहाँ पर नीचे डाउन हो चुका है ये शेयर विद इन 2 or 3 days। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी देखिए माइंड ब्लोइंग कंपनी है, 96.6% रिवेन्यू डिजिटली इस कंपनी से आता है। यहाँ देख लीजिए, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज कंपनी, मतलब क्लाउडिंग, ओके, हर चीज़ से रिलेटेड कंपनी काम करती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप कंपनी के एक बार वेबसाइट पर जाएंगे, एक बार देखेंगे इनकी ग्रोथ को एज वेल एज और भी डिफरेंट चीज़ों को, तो कंपनी मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं इनके, ओके, यूएस यूके से इनके अच्छा खासा रिवेन्यू आता है, तो अच्छे खासे इनके एम्प्लॉयज़ है, तो मुझे तो हर चीज़ में ये कंपनी बेहतरीन लगती है, नो डाउट, और बहुत सारे लोगों को लगती भी है। बट देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड फाउंडेड इन 2011, मतलब 2011 में आई थी, और अगर बात करें हेडक्वार्टर इन बैंगलोर विद ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन की बात करें यूएस यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया एंड मिडल ईस्ट, मतलब हर एक यहाँ पर ये कंपनी नज़र आती है, और ये कंपनी अपने आप को वर्ल्ड की जो अलग दूसरी मतलब इंडियन कंपनी से है, अपने आप को कंपेरिजन नहीं करती, ये इट नॉट कंपेरिजन विद इन्फोसिस TCS, इन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं करते। देखिए ROC ROE की बात करें 35-40 के आसपास चल रही है, ओके, ये स्मॉल कैप कंपनी, और मिड कैप कंपनी कब कब में चेंज हो जाएगी, और कब अगर 5 से 10 साल रख लिया ना, मुझे बिलीव है कि ये कंपनी लार्ज कैप में कब तक, यहाँ पर एक पीछे एक जीरो लगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, विद इन 10 ईयर्स भी अगर पकड़ लेते और इतना का रिवेन्यू हो गया, तो यहाँ पर भी एक जीरो नहीं, यहाँ पर भी काफ़ी एक
जीरो लगती हुई आपको नजर आ जाएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए इस चीज को। डेट की बात करें 32% का डेट है। प्लेजिंग की बात करें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। ओके, अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है इसका। अच्छे खासे अगर बात करें रिजल्ट की, यहाँ पर देखिए आपके रिजल्ट आपके सामने है। आई एम नॉट शोइंग समथिंग बियॉन्ड, मतलब कुछ अलग बना के या अपनी तरफ से कुछ बना के, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो यहाँ पर है, जो मैंने आपको कल की डेट में रिजल्ट में शो किया था। सेल्स देखिए 165 करोड़ रुपीज़ की सेल्स 2019 जून में थी। कंटिन्यूटी दिख रही है यहाँ पर। और अगर बात करें देखिए 183, 193 और इस बार की जो सेल्स है 221, मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट स्टिल शेयर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर हावी है, वो नीचे लेवल पर लेना चाहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाते हैं। टीवी पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाती है और हम चीज़ों को बेचना शुरू कर देते हैं। बट आपको बताना चाहता हूँ नेक्स्ट क्वार्टर पर आते आते ये दोबारा 1000 रुपीज तक जाता हुआ ये शेयर मुझे नजर आता है। इंटरेस्ट की बात करें यहाँ पर 2 करोड़ रुपीज का इंटरेस्ट भी दे, क्योंकि इसके ऊपर डेट भी है जैसे कि 32% में बताया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर देखिए 36% का, मतलब अगर बात करें अदर इनकम का थोड़ा बहुत इफेक्ट है, दिस इज द रीजन कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट आई है, बट कोई इशू नहीं है। अच्छे खासे यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना, दैट्स इट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ पर अदर इनकम वगैरह बहुत सारे अकाउंटिंग में होते हैं तो उस चीज की वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर बात करें यहाँ पर सेल्स की तो देखिए 596, 698, अभी बात करें तो फिर दोबारा 773, मतलब सबसे, मतलब कंटिन्यूटी तो दिखाई रहा है एज वेल एज कंसिस्टेंसी दिखा रहा है एज वेल एज इंक्रीमेंट दिखा रहा है, हर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रही, कहाँ पर 55 था फिर डबल हुआ, अब दोबारा बात करें फिर दोबारा डबल हो गया, मतलब कंपनी अपने आप को हर साल डबल करती जा रही है, मतलब आपका पैसा डबल होता जा रहा है। तो और क्या चाहिए आपको, यही ऐसी कंपनी में देखिए नेट प्रॉफिट 14 के बाद 72 के बाद फिर दोबारा यहां पर बात करिए तो डबल से ज्यादा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें 94 करोड़ रुपीज के माइनस में रिजर्व से आज के डेट में 518 करोड़ रुपए का तो कैश रखा हुआ है इनके पास। बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी है, ऑब्वियसली बात है कंपनी अपने आप को बोरो लेती रहती है करती रहती है, बट कभी भी चाहेगी तो बोरोइंग भी चुका देगी, इतने सारा इनके पास। इन्वेस्टमेंट की बात करें कोई भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट कैश की बात करें 145 करोड़ रुपये का कैश है, 173 करोड़ रुपये की बोरोइंग, 145 करोड़ रुपये कैश तुरंत चुका देगी, कोई परेशानी नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल 122 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल भी होता हुआ नजर आया है। ROC की बात करें 35 के ROC पे कंपनी इस बार काम कर रही है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें सेम, कोई चेंजेस नहीं है 53.25। FIs की बात करें थोड़ा सा यहाँ पर बेचते हुए नज़र आए हैं, बस बिल्कुल थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये बढ़ाएंगे ही, जिस दिन यहाँ पर ये प्रोमोटर्स बेचने लगे फिर बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वार्टर में देखने शायद बढ़ता हुआ नजर आया है। DIs की बात करें, DIs ने यहाँ पर देखिए FIs ने बेचा, DIs ने तुरंत उठा लिया, भाई दे दो हमें दे दो, कोई इशू नहीं हम ले लेंगे। FIs की बात करें, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी थोड़ा सा हिस्सेदारी बेची, वो भी DIs ने उठा ली। अगर बात करें DIs में कौन कौन है तो यहाँ SBI लार्ज कैप है, L&T म्यूचुअल फंड है, सुंदरम म्यूचुअल फंड है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अगर बात करें 32 में से यहाँ पर 2% ये घट गया, 3% ये घट गया, तो अगर हम बात करें केवल और केवल 27% की होल्डिंग ही केवल पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी रिटेल इन्वेस्टर ने, उसमें HNIs भी इंक्लूड है, उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड है। तो इस चीज़ को आपको समझ के, ओके, जहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको इंक्रीज हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाई दे रही है, पर आपको सेल्स में रेवेन्यू में यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, व्हाई आर यू सेलिंग स्टॉक्स? और बस यहाँ पर टीवी देख लेते हैं लोग, और टीवी देखते हैं तो यहाँ पर वो बताए थे अच्छे रिजल्ट नहीं आए, अच्छे कहाँ अच्छे रिजल्ट, ये आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दिख रहे? आर यू गाइज नॉट सीइंग द गुड रिजल्ट? यहाँ पर देखिए ना, अच्छे रिजल्ट नहीं है ये, 193 यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, हाँ यहाँ पर नेट प्रॉफिट चेंज हुआ है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अदर इनकम, जहाँ पर अदर इनकम 8 करोड़ रुपीज़ थी वहाँ 5 करोड़ रुपीज़ का यहाँ डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 5 करोड़ जोड़ के देख लीजिए 41, लगभग सेम। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस यहाँ पर कंपनी के हो गए जो ओके, जो कि अगली बार और शायद कंपनी इस पर थोड़ा सा वर्क कर लेगी, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट ऑब्वियसली बात है दोबारा चेंज, बट ईयरली बेसिस पर देखिए ना, ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा होता हुआ नजर आ
आ रहा है। सो इस चीज़ को काउंट किया करते हैं और ऐसे देखा करते हैं तो आपको समझ में आएगा कंपनी की वैल्यू क्या है। पी पी तो देखिए पी को अभी भाड़ में जान दीजिए, पी के हिसाब से कुछ भी नहीं चलता। ओके राकेश झुंझुनवाला भी अपने इंटरव्यू में कहते हैं क्या पी पी कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके का चार्ट पैटर्न लास्ट टाइम भी बना था जब ये रिजल्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट हुई, फिर ऊपर से यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद एक बार जंप मारी ना, फिर इसने पीछे नहीं देखा। यहाँ पर देखिए फिर ये इस तरीके से शेयर भागता हुआ नजर आया कि यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर से ही लगभग 50% से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ नजर आया था। सेम अभी थोड़ा सा गिर रहा है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा गिरेगा, बट फिर भी अगर मैं आपको एक अगर हम देख लेते हैं कि कहाँ तक कंपनी ये शेयर गिर सकता है, तो अगर हम यहाँ पर एक देख लेते हैं, यहाँ पर ये कंपनी का ये चल रहा है, दूसरा अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो अगर एक पॉइंट इसका यहाँ पर भी बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर 676 722 तक। ओके बट मुझे लगता नहीं है 722 ये यहाँ पर आता हुआ नज़र आएगा। ओके सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, और आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी और आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइएगा। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ इस अपॉर्चुनिटी का आपको क्या उठाना है, फ़ायदा 676 पे यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट बन रहा है, उठा लीजिएगा ये शेयर, फिर भागता हुआ नज़र आएगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जब ये रिजल्ट देगा फिर दोबारा ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, ये दोबारा 1000 रुपीज़ तक जाता हुआ नजर आया, क्योंकि कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, बिजनेस करके दिखा रहा है, कंपनी इज डूइंग बिजनेस, कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। यही हमें चीज़ देखनी है, हमें ज़्यादा कुछ आपको जितना घुसोगे ज़्यादा घुसने की भी जरूरत नहीं है, और हमें बस सिंपल देखना है भाई किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रही है कंपनी, यस परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट आ रहा है, हाँ भाई प्रॉफिट आ रहा है, कंसिस्टेंसी, हाँ भाई कंसिस्टेंसी है, ओके डेट कितना है, प्राइसिंग कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीज़ हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी इज डूइंग अ ग्रेट बिजनेस। ओके कंपनी स्मॉल कैप से देखिए कहाँ पर इसका पहले कितना छोटा, इसका 8000 करोड़ रुपीज़ के आसपास का मार्केट कैप था, आज 11 है। ओके कल की डेट में यहाँ पर नेक्स्ट उस कांटे आते 15 भी हो जाएगा, और 5 से 10 साल दे दोगे तो शायद ये यहाँ पर एक पीछे जीरो लगती हुई आपको नज़र आएगी, तो ये लार्ज कैप भी बनती हुई नज़र आएगी। और फिर ये धीरे 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 इसी के तरीके की कंपनी जो परफॉर्म करके दिखाती है, जहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा होता है वहाँ पर ही यहाँ पर ये कंपनी टक्कर देती हुई नज़र आएगी, फिर इन्फोसिस को भी और यहाँ पर बात करें TCS को भी। तो आपको बताना चाहता हूँ जस्ट बी विद दिस कंपनी। ओके कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा, हमेशा ये गलती मत करो बेचने की, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर्स की तरह रहो, कोई परेशानी नहीं है। बाकी गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन डिप्स और कर लेना, दोबारा ऐड होता हुआ शेयर नजर आएगा और भागता हुआ नजर आएगा। तो इसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो थी, ताकि आप लोग घबराए ना कि गिरावट क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज आपको बताइए लोग TV देखते हैं कह देते हैं भाई अच्छे रिजल्ट, बट हमने देखे हैं ना अच्छे रिजल्ट आए, सिंपल बस बात खत्म हो गई। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ओके और अगर आपको अच्छे नहीं लगे रिजल्ट तो आप नीचे बताइए, अच्छे लगे हो तो भी आप कमेंट करके हमें बताइए। बाकी आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इनिशिएटिव पर आपको सब्सक्राइब करें, अपने नए नए लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को लोगों के साथ जो हमारे चैनल के साथ जोड़िए, ताकि इस तरीके की वीडियो उन्हें भी मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।